हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोन चैनल। आज की वीडियो एमएस एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट सीरीज की सेवंथ वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ट, जो कि होता है जर्नल फॉर्मेटिंग के लिए। मान के चलिए अभी यहाँ पे जर्नल है, आपने उस जर्नल फॉर्मेटिंग को चेंज कर लिया है, कहाँ पे आपने उसको करेंसी में कर लिया है चेंज। ओके, तो आपको वापस से उसे क्या करना है, जर्नल फॉर्मेटिंग करना है। सो आपने सेलेक्ट किया उसे और आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट, तो वापस से वो जर्नल फॉर्मेटिंग हो चुका है। सेकंड जो है हमारी कमांड वो होने वाली है कंट्रोल शिफ्ट और माइनस, यानी कि आपको अगर बॉर्डर रिमूव करना है, ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ बॉर्डर लगाया हुआ है ऑलरेडी, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, तो सारा बॉर्डर यहां से हट जाएगा। आप देखेंगे यहां से बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अंडो। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू इंसर्ट रो कॉलम और सेल के लिए। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस किया, तो ये आपको पूछेगा कि आपको सेल इंसर्ट करना है या आपको रो इंसर्ट करनी है या आपको कॉलम इंसर्ट करना है, और आपको प्रेस कर देना है ओके। जहां पे एक्टिव सेल था आपका, वहां पे एक कॉलम इंसर्ट होके आ चुका है। राइट, अब है कंट्रोल शिफ्ट होम। तो कंट्रोल शिफ्ट होम का मतलब होता है कि जो आपका एक्टिव सेल है अभी, मान के चलिए आप अभी है C11 के ऊपर, तो आप कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा A1 तक, या आप यहां पे भी हो, कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस किया आपने तो ये यहां से लेके और जो आपका A1 सेल है वहां तक सिलेक्ट कर लेगा उसे फटाफट से। ऑल राइट, उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एंड। जो भी आपने आपका करंट टेबल है या कंटेंट है उस पे आपने क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस किया आपने, तो जो भी आपका पूरा कंटेंट है, मैंने यहाँ व्हाइट कॉलर क्रू लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा लास्ट सेल है इस शीट के अंदर जो है कंटेंट के साथ, तो वहां तक वो सिलेक्ट कर लेगा उसे, तो ये है कंट्रोल शिफ्ट एंड। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट टॉप एरो। टॉप एरो मींस अगर आपने राजन के ऊपर या लेट्स से आपने दीपांशु के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट और आपने प्रेस किया टॉप रो, तो जो टॉप है आपका कंटेंट वहां तक वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। मान के चलिए यहाँ पे गैप था, साउल का नाम यहाँ पे नहीं था और आपने राजन से सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट टॉप, जहां तक कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा वहां तक वो फटाफट से सिलेक्ट कर लेगा। आप दोबारा प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट टॉप तो वो ऊपर तक सेलेक्ट कर लेगा जो आपका कंटेंट था गैप के बाद, फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट टॉप तो पूरा सेलेक्ट हो गया। ऑलराइट, अगर यहां पे नाम होता किसी का तो आप नीचे से क्लिक करते कंट्रोल शिफ्ट टॉप, पूरा सेलेक्ट हो जाता वो। सेम उसी तरह से है बॉटम, तो आपने यहां पे क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट बॉटम तो पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो गया वो। ऑलराइट, उसी तरह से होगा राइट और लेफ्ट। आपने अरुण चौहान के ऊपर क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट राइट तो पूरा राइट का सिलेक्ट हो गया जहां तक भी लिखा हुआ था। सेम केस लेफ्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, पूरा का पूरा लेफ्ट तक सिलेक्ट हो गया। अभी यहां पे फ्लो आ गया तो आप दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका पहला कंटेंट, अगर फिर दोबारा करेंगे तो टोटल कंटेंट। ओके, उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट टैब। इसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ फाइल्स खोली हुई है एक्सेल की ऑलरेडी, जैसे कि हम कुछ फाइल्स यहाँ पे एक्सेल की खोल लेते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और टैब, तो आपका जो प्रीवियस वाला फाइल था वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। कॉलन है ये, तो ये यहाँ पे होगा इंसर्ट टाइम। आपने यहाँ पे क्लिक किया कहीं पे भी और आपने कंट्रोल शिफ्ट ऐसे कॉमा दिया तो जो अभी करंट टाइम होगा 9:03 वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट इनवर्ट कॉमा कर लीजिए आप, या कंट्रोल शिफ्ट कॉमा कर लीजिए, उसका मतलब होता है फिल डाउन, जो कि था कंट्रोल प्लस डी ऑल्सो। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे आप, राजन सिंह नीचे आ गया। सेम केस अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा प्रेस करते हो तो भी राजन सिंह नीचे आ जाएगा, यानी कि फिल डाउन। कंट्रोल शिफ्ट और इनवर्ट कॉमा प्रेस करेंगे आप तो वो भी फिल डाउन होता है, तो ये फिल डाउन के लिए है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप, वो होगा फिल राइट विथ फॉर्मेटिंग। राइट के साइड आपको अगर राजन सिंह को आपको यहाँ लेके आना है, जो राजन सिंह यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लेके आना है, तो कंट्रोल शिफ्ट आप लगाएंगे फुल स्टॉप तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल
कंट्रोल आर करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप करेंगे वही है क्विक सिलेक्ट एक्टिव टेबल। तो अगर आपने ये एक्टिव टेबल है आपका, आपने किया कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तो ये आपका पूरा टेबल फटाफट से सिलेक्ट होके आ गया जो कि था कंट्रोल ए ऑल्सो। अगर आपने यहाँ क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबा दिया आपने, जो भी आपका एक्टिव टेबल है कॉन्टेंट के साथ वो फटाफट से सिलेक्ट हो जाएगा।